तो ये गाइस जा रहे हैं हम सीन नंबर लेने। तो फर्स्ट टाइम था तो बहुत कंफ्यूजन रहता है, बस में कैसे जाना है, प्रेस्टो कार्ड कहाँ टैप करना है, एंड या थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आप फ्रेंड्स से सारा पूछ के जाना कि कैसे दिस वर्क, कैसे आपको बस चेंज करनी है, कैसे आप फ्रेंड से पूछ के जाना कि कैसे बस चेंज करनी है, गूगल मैप कैसे आपको सर्च करना है, ये पूरा जानकारी हम अपने फ्रेंड से लेके जाना है। क्योंकि वही होता है कि गूगल मैप में आपको पूरा सिखाएंगे कि कौन सी बस चेंज करनी है, कहाँ से चेंज करनी है और कौन से टाइम में बस आएगी, कितना चलना है आपको, वो सब आपको गूगल में एक बार देख के जाना है, फिर आप जाना है। दैट वुड बी वर्थ इट। सो दैट्स इट। और जा रहे हैं हम आज सीन नंबर लेने, बिकॉज विदाउट सीन नंबर आपको जॉब तो नहीं मिलेगी। सो टू बुक द अपॉइंटमेंट एट द सर्विस कैनेडा, आपको गूगल में लिखना है सर्विस कैनेडा सिन नंबर अपॉइंटमेंट, तो आपको लिखना है। तो आ जाएगा कि सोशल नंबर, सोशल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई। तो फिर आपको थोड़े स्टेप्स देख लेने हैं कि हाउ टू अप्लाई में क्या क्या होता है, कौन से मेथड आती है, अप्लाई फॉर सिन, ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ सिन नंबर, व्हाट इज सिन नंबर। तो इसमें लिखा है कि अगर आप ऑनलाइन करते हो तो 25 बिजनेस डेज लग जाते हैं, फिर मेल से कर सकते हो, इन पर्सन कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन या आप मेल से मत करो, ये कुछ काम का नहीं है, आप इन पर्सन ही जाओ, इन पर्सन ही अप्लाई करो। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें लिखे हैं। तो बेसिकली इसमें अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ आपका स्टडी परमिट या वर्क परमिट, मीन स्टडी परमिट, और आपको पासपोर्ट ले जाना है। दैट्स इट, आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उस लोकेशन में। और मेक श्योर आप इन पर्सन अपॉइंटमेंट ही बुक करो, क्योंकि ऑनलाइन और बाय मेल बहुत टाइम लंबा लेते हैं, तो आप बहुत चूज़ी ना करो तो अच्छा रहेगा। सो आपको फाइंड सर्विस सेंटर इन कैनेडा भी आप कर सकते हो, आप जहाँ रहते हो वहाँ के नज़दीक के सर्विस सेंटर, जो सर्विस कैनेडा होता है उसी में जाना है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ यॉर्क लिखा है तो विद इन 15 किलोमीटर्स में मेरे सर्विस सेंटर देखता हूँ तो 4 सर्विस सेंटर मिल जाएंगे मुझे और नज़दीक है। सो इसी हिसाब से है। तो आपको जब अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको कॉल करना होता है और वो लोग कहेंगे आपको इस सर्विस सेंटर में जाना है और आपकी अपॉइंटमेंट हुआ है। सो आपको सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म भरना है, तो यहाँ मैं सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म में क्लिक करता हूँ। फ्रॉम हियर मैं सारी डिटेल्स भरूँगा, डिटेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ द सर्विस, तो उसमें मैं इंग्लिश कर देता हूँ, इट इज़ इंग्लिश, लैंग्वेज ऑफ सर्विस इंग्लिश। सो इफ़ यू रिक्वेस्ट कंप्लीट बाय फोन वी विल ऑफर अपॉइंटमेंट। सो लैंग्वेज ऑफ सर्विस इंग्लिश, इंग्लिश कर दे। फिर आपको फुल फर्स्ट नेम धवल शाही, आपका जो नाम है सरनेम, फिर आपके प्रोविंस है, आपका फ़ोन नंबर। तो टेलीफोन नंबर में आप टैक्स नाव का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, मैंने तो टैक्स नाव का डाला था। फिर वहाँ अपॉइंटमेंट लेने गया तब मुझे, मैंने मेरा ओरिजिनल नंबर डाल दिया था, क्योंकि मैंने ये ड्यूरिंग क्वारंटीन अपॉइंटमेंट ली थी और क्वारंटीन के बाद में गया था सिन नंबर लेने। तो सोशल इंश्योरेंस नंबर का और कहीं टिक नहीं करना है। फिर यस इफ़ यू रिक्वायर जनरल इन्फॉर्मेशन तो वहाँ आप टिक कर दो। फिर आपको जाना है, वेटरनर का कुछ नहीं आएगा, रिक्वेस्ट इमीडिएट, अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। फिर प्लीज सिलेक्ट द बॉक्स टू रिक्वेस्ट एन अपॉइंटमेंट, तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपकी डिटेल्स क्या क्या है। नेक्स्ट आपको सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने डाला था कि प्लीज़ प्रोवाइड एज मच एज डिटेल रिगार्डिंग योर सर्विस, आपको क्यों सिन नंबर चाहिए। तो मैंने इसमें लिख दिया कि हेलो आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो मुझे
से कॉलेज में सबमिट करना है मेरा होटल क्वारंटीन की रिसिप्ट, इसलिए और सीन नंबर भी मुझे सबमिट करना है, इसलिए मुझे चाहिए। तो आई नीड सोशल इंश्योरेंस फॉर द पर्पस टू सबमिट इन माई कॉलेज। तो ये लिख दिया है, आप नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे फ्रेंड ने तो नहीं लिखा था और उसको भी नेक्स्ट डे कॉल आ गया था। तो यस, ये सारा आपको लिख देना है, फिर पूरा चेक कर लेना है और सबमिट कर देना होता है। सबमिट, फिर वो आपको एक नंबर देंगे, वो नंबर आपको नोट कर देना होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू, योर सर्विस वॉज रिसीव्ड। और आपको एक प्राइवेट नंबर या ब्लॉक नंबर से कॉल आएगा। तो मुझे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आ गया था, मेरे फ्रेंड को भी। आपको कंफर्म कर देना है कि आपको कौन सी जगह, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट कौन सी चाहिए। तो ब्रैम्पटन में तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, और थोड़ी ब्रैम्पटन में अपॉइंटमेंट लेने जाओगे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुझे बोला कि आप डायरेक्ट ऑफिस आ जाओ, 4900 यंग स्ट्रीट, और आपको डायरेक्ट लाइन में लग जाओ। सो गाइज, आज डन विथ माई सीन नंबर टूडे। और अगर आप नॉर्थ यॉर्क साइड हो तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा सीन नंबर लेने के लिए, बिकॉज यहाँ ज़रा ऑलमोस्ट भीड़ तो होती है, लेकिन आप विदाउट अपॉइंटमेंट के भी जाओगे तो भी आपको अंदर परमिशन मिल जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्रैम्पटन की बात करें तो मैं और मेरा फ्रेंड जो साथ में क्वारंटीन हुआ था, उसकी उसका सीन नंबर के लिए वो ब्रैम्पटन रहने जाने वाला था। सो उसकी अपॉइंटमेंट उसको अपॉइंटमेंट ही लेनी पड़ी थी। और जब मैंने अपॉइंटमेंट ली, तब उन लोगों ने मुझे किया कि आप डायरेक्ट वॉक इन करो और आपको मिल जाएगा। स्टिल मैं यहाँ आया तब बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट थी, तो अगर अपॉइंटमेंट होती है तो उन लोगों को डायरेक्ट जाने देते हैं उनके टाइम में, और अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं होती तो आपको लाइन में लगना होता है। तो यहाँ सर्विस कैनेडा में आया मैं, 4900 यंग स्ट्रीट, और नीचे जाना है, फर्स्ट फ्लोर में होगा। फिर फर्स्ट फ्लोर में जाके आपको सर्विस कैनेडा होगा, वहाँ आपको लाइन लगनी होगी, लाइन पे रहना है आपको। और फिर वो पूछेंगे, थ्री क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कभी हैव यू बीन 14 डेज में कभी कोरोना हुआ है, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर दी कोविड, और क्या आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं 14 डेज में, और क्या आपने, थर्ड क्वेश्चन है, क्या आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया है। तो मैंने तो बोला यस, तो उसने चेक किया, उसकी डेट में 14 डेज हो गए हैं। उसने पूछा मुझे कि कौन सी डेट को अराइव किया था, अराइव किया आपने, तो मैंने बताया कि 13 मार्च को, मैंने बताया कि 13 मार्च को मैंने अराइव किया है। सो उसने डेट चेक की एंड यस, यू आर कम्प्लीट या कम्प्लीटेड योर 14 डेज क्वारंटीन, ये उसने बोला। देन वहाँ भी लाइन रखना है, फिर अंदर जाना है। अंदर आपको, सॉरी, अंदर मुझे पूछा कि स्टडी परमिट दिखाओ, स्टडी परमिट या ओनली स्टडी परमिट, और बोला व्हाट इज द पर्पस। और तो मैंने बोला आई मीन ऐसा कुछ पूछा कि व्हाई आर यू हियर, तो मैंने बोला इंटरनेशनल स्टूडेंट। फिर उसने मुझे स्टडी परमिट मांगा, स्टडी परमिट या वर्क परमिट जो होता है, उसने बोला गिव मी योर, प्रोवाइड मी योर स्टडी परमिट और वर्क परमिट। तो मैंने स्टडी परमिट और वर्क परमिट दिया। देन आफ्टर गिविंग, वो चेक करता है सारे सारे डिटेल्स, फिर आपको अंदर बैठने को बोलता है। फिर अंदर जाने आपको दूसरा एक सेपरेट रूम होगा, वहाँ सेपरेट रूम में आपको बैठना है। देन दे विल कॉल योर नेम, आपका नेम बोलेंगे, एंड इन एट दैट टाइम अंदर 15-20 मिनट्स भी आपको बैठना पड़ेगा, और लाइन में भी 15-20 मिनट्स लगेंगे। सो व्हेन दे कॉल योर नेम, आपको जाना है, वो आपको बोलेंगे कि आपका स्टडी परमिट और पासपोर्ट रख दीजिए, छोटा सा बास्केट होगा उसमें रख देना है। फिर वो देखेंगे, सब वेरीफाई करेंगे 5-10 मिनट, फिर आपको पूछेंगे कि आपका करेक्ट नेम स्पेल कीजिए, फिर आपके मदर का नाम पूछेंगे, और मुझे तो ऐसा पूछा था कि आपके मदर का नाम बोलो और मदर की सरनेम क्या थी बिफोर मैरिज, एंड फिर फादर का कंप्लीट नेम पूछेंगे। फिर मुझे पूछा था कि क्या आप ट्विंस हो, ट्विंस या, और फिर ये पूछते हैं कि क्या आपकी दूसरी कोई उस दूसरे कोई नाम से पहले कहीं चेकआउट किया था, मीन्स ऐसा कुछ पूछते हैं कि क्या आप कभी दूसरे कोई नाम से आपने कभी
अप्लाई कहीं किया था, तो मैंने बोला नो। और सबसे पहले यार ये सब पूछते हैं आपको, एंड देन आपका एड्रेस पूछेंगे, फोन नंबर पूछेंगे। तो आप सब आप सिम सिम कार्ड लेके जाए, मीन्स सिम आपका एक कैनेडियन नंबर ले ले, परचेस कर दे किसी भी कंपनी का, और देन आपको एड्रेस पूछेंगे जहाँ रह रहे हो। तो मैंने मेरा टेम्प्रेरी एड्रेस दे दिया, इट डजेंट मैटर आप टेम्प्रेरी दो या परमानेंट दो। मैंने पूछा है कि इट इज टेम्प्रेरी, विल इट वर्क? देन शी सेड इट्स ओके, इट डजेंट मैटर। सो या दिस ऑल स्टॉप्स, एंड देन वो मुझे स्टडी परमिट दे देती है, एंड फॉर द स्टडी परमिट सॉरी, फिर एंड देन फिर वो मुझे मेरा सीट नंबर प्रोवाइड करती है और बोलती है एक बार चेक कर लो आप सारी डिटेल्स। दैट्स इट। फिर वहाँ से निकल पड़े, वहाँ से निकल गया मैं, और अब हम बस पकड़ने वापस जा रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।